मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र के 119 घोषणाओं को पूरा कर चुकी है और 213 पर काम चल रहा है। राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में हर तरह के माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जघन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक विशेष सेल पर काम चल रहा है। इसके माध्यम से अपराधियों को कड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। 2% जो है 2013 पे कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो वादे किए थे उसको निभाना चाहते हैं। खुद तक कई बार ऐसा भी है कि हम वादे करते हैं, कुछ वादे के कारण निभ नहीं पाते हैं। वक्त आने पर वो बताएंगे कौन से वादे नहीं निभ पाए हैं और क्यों नहीं निभ पाए। तो आज की तारीख में कहते हुए गर्व है कि हम लोगों ने जो प्रयास किए उस पर हम लोग बहुत कामयाब हुए। दवाएं मिलावट करें, चाहे दूध नकली बनाए, चाहे वो और किसी दूध की मिठाइयों में या मावे के अंदर मिलावट करें, पनीर में मिलावट करें, मैं समझता हूँ कि आप कल्पना कर सकते हो कि हमें क्या उनके लिए करना चाहिए। वो तमाम उठाए जाएंगे जो कि मतलब जनता को राहत दे सके। माफियाओं के लिए मैंने कहा पूरा सर्वे करो इनका जिले में, और जो पुलिस वाले मिले रहेंगे इनसे, पुलिस वाले ये आप देखते हो कि पुलिस का कई के लेवल पे लोग मिल जाते हैं इनसे, तो मैंने कहा कल डीजी को आप कार्रवाई ऐसी करो उसको बर्खास्त करने की नौबत है वो भी कर दो बर्खास्त, कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। और तो और हमने जो हीनिस क्राइम को लेकर जिसमें भी आता है, हमने जो कहा था आपको एक बार सेल बनाएंगे प्रक्रिया चल रही, कल भी हमने डिस्कस किया उसको क्राइम ब्रांच में जिसमें लॉ ऑफिसर होंगे वो मॉनिटरिंग करेंगे, उसके साथ में पुलिस ऑफिसर के साथ में मॉनिटरिंग करने के लिए लॉ ऑफिसर लगाए जाएंगे जो तफ्तीश के दरमियान चालान पेश होने के वक्त में कोई कमी नहीं रह जाए, और चालान के बाद में जो गवाही वगैरह होती है किसी लेवल पे कमी नहीं रहे लीगली भी, उसके वो वॉच करेंगे, ध्यान रखेंगे, इन्वॉल्व रखेंगे अपने आप को, जिससे कि सजा सुनिश्चित हो सके। ये हम इस बार थीम बना रहे हैं निरोगी राजस्थान, हेल्दी राजस्थान, इसको लेके एक थीम बन रही है। पिछली गवर्नमेंट थी हमारी तब भी हमने दवाएं फ्री की थी, वो बहुत शानदार स्कीम रही हमारी। आज करीब 5-6 राज्यों के लोग आते हैं यहाँ पर और हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। हमारी स्कीम वो है इंडोर हो या आउटडोर हो उन सबको मिलेगी दवाई, और दवाई बहुत कीमती भी है, 5,000 रुपये के इंजेक्शन की उसके अंदर है। तो तमाम तरह से हम लोगों ने उसको स्कीम और मजबूत करने का तय किया है, और करीब 900 दवाएँ पार कर चुकी।